सो हे गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वॉरियर्स पे स्वागत है। दोस्तों, फाइनली एसएससी ने एसएससी एमटीआर 2023 का आपका एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का लिंक एक्टिव कर दिया है, जहां पर आप अपने एप्लीकेशन यानी अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर पाएंगे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो किन कारणों से रिजेक्ट किया गया है, या यदि आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है तो आपका एग्ज़ाम सेंटर किस सिटी में पड़ेगा, किस डेट को पड़ेगा और किस शिफ्ट में पड़ेगा, यहाँ पर आप ए टू जेड चेक कर पाएंगे। तो आप दोस्तों अपना एडमिट कार्ड यानी अपना एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। उस लिंक पर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर दोस्तों आपको ये तीन डॉट दिख रहा होगा, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये एडमिट कार्ड शो हो जाएगा, तो आपको इस पर ऐसे क्लिक कर देना है, थोड़ी देर वेट कर लेना है, नेटवर्क स्लो है। दोस्तों एडमिट कार्ड पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर आपको सभी रीजन का यूआरएल दिख जाएगा यानी लिंक दिख जाएगा। दोस्तों आप जिस रीजन से फॉर्म अप्लाई किए हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सभी रीजन में दिख रहा होगा आपको, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका, केरल रीजन, साउथ रीजन, और नीचे स्क्रॉल करते आएंगे तो यहाँ पर आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, सभी रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप जिस रीजन से फॉर्म अप्लाई किए हैं आपको उसी रीजन के यू आर एल पे क्लिक करना है। जैसे ये ईस्टर्न रीजन है तो इसका ये यू आर एल है। चलिए हम एक आपको एक चेक करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको देखते हैं कर्नाटका केरल रीजन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, थोड़ा सा वेट कर लेना है। दोस्तों जैसे आप लोग कर्नाटका रीजन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जब आप स्क्रॉल करते हैं नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका सेकेंड जो नोटिफिकेशन दिख रहा होगा ये वाला, क्लिक हियर टू नो एप्लीकेशन स्टेटस डब्ल्यू आर टी मल्टी टास्किंग, ठीक है, 2023 टू बी हेल्ड फ्रॉम 1 सितंबर 2023 से लेकर 14 सितंबर 2023 तक ये आपका जो है एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 1 सितंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और 14 सितंबर इसका लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। तो आपको इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, थोड़ी वेट कर लेना। जैसे दोस्तों उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, ठीक है, या तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके अपना एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हैं, फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट हो गया है तो किस डेट को किस सिटी में किस सीट में होगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपके साथ दोस्तों अगर अपना अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, तो यहाँ पर अपना जो है अपने नाम का फर्स्ट फोर करेक्टर, ठीक है, आगे का, और अपने फादर्स के नेम का फर्स्ट फोर करेक्टर, उसके बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके यहाँ पर आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपका एग्ज़ाम दोस्तों 1 सितंबर से स्टार्ट हो गया, 14 सितंबर इसका लास्ट डेट रहेगा। तो दोस्तों एक बात और बता दें, अभी सभी रीज़न का दोस्तों एप्लीकेशन स्टेटस से करने का लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, बट हाँ एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका सभी रीज़न का धीरे धीरे करके आ जाएगा। आप वेबसाइट पर बने रहिएगा, आप जिस रीज़न से फॉर्म अप्लाई किए हैं आप उस URL पे जाकर आप क्लिक करिएगा तो आप वहाँ पर इंस्ट्रक्शन में दिख जाएगा, अगर नोटिफिकेशन में दिख रहा है तो आप वहाँ से अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आपको जानकारी कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।